हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सूरज। स्वागत करता हूं आपके मेरे इस चैनल टेक वाइसी में। दोस्तों, आप सभी आज के टाइम पे स्मार्टफोन यूज़ ज़रूर करते होंगे और इसी स्मार्टफोन को लेकर एक बहुत बड़ी खोज जो है वो निकल कर आ रही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस स्मार्टफोन की वजह से लोगों के जो है वो सींग उगना उगना जो है वो शुरू हो चुके हैं। तो इस न्यूज़ की पूरी कितनी सच्चाई है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके आप हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए, ताकि आपको मिल सके हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों, अगर हम यहाँ पर देखें तो आज का जो हमारा युग चल रहा है, जो हमारी सेंचुरी चल रही है, इस टाइम पर हर कोई व्यक्ति जो है वो स्मार्टफोन का यूज़ जो है वो ज़रूर करता होगा। और हमारी आज की लाइफस्टाइल ऐसी बदल चुकी है कि हमारा स्मार्टफोन के बिना जो है वो काम भी नहीं चल सकता, और लोग जो है स्मार्टफोन के बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं। इसी को देखते हुए एक डिस्कवरी जो है वो नहीं देखी गई है, नई खोज की गई है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि इस स्मार्टफोन की वजह से इंसानों को बहुत बड़ा खतरा होने वाला है और इंसानों के सींग निकलने वाले हैं। इसकी सच्चाई क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये जो खबर है इसमें आधी सच्चाई है और आधा झूठ है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसकी जो खोज की गई थी, ये बात जो है 2018 से चली आ रही है। बीबीसी ने उस टाइम पर एक रिपोर्ट जो है वो जारी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारा आज का जो लाइफस्टाइल है वो कुछ ऐसा हो चुका है कि हम बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन का यूज़ कर रहे हैं, और उसकी वजह से हम जो है मतलब बहुत ज़्यादा हमारे जो ये हेड होता है इस पर बहुत ज़्यादा वेट पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे पीछे यहाँ पर जो हड्डी होती है वो बाहर की तरफ जो है वो निकलना शुरू हो गई है। ये उनकी जो खबर थी, जो कि उन्होंने 2018 से वो इस बात को कह रहे थे। और ये सिर्फ और सिर्फ हो रहा है हमारे स्मार्टफोन यूज़ करने की वजह से, क्योंकि हम स्मार्टफोन को जब यूज़ करते हैं तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो वज़न है वो हमारे हेड की तरफ जाता है, और इस वजह से ऐसा हो रहा है कि हड्डी जो है वो बाहर की तरफ निकलना शुरू हो गई है। बस इतनी सी बात उन्होंने कही थी। और इसको ठीक करने का या इससे बचने का सिर्फ एक उपाय है कि आप स्मार्टफोन का यूज़ कम से कम करें, जितनी ज़रूरत हो उसी के हिसाब से करें। आज के टाइम में देखा जाए तो लोग जो है वो स्मार्टफोन का यूज़ सबसे ज़्यादा करते हैं, जब उन्हें ज़रूरत भी नहीं होती उसके बावजूद वो उसमें कुछ ना कुछ करते रहेंगे। उन्हें ज़रूरत नहीं है लेकिन यूट्यूब या फेसबुक कुछ ना कुछ चलाते रहेंगे बेफालतू की, बिना किसी भी ज़रूरत के। अब बात करते हैं कि जो खबर आ रही थी सिंग वाली, उस पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो बीबीसी ने जब ये रिपोर्ट जो है वो दी थी, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि जो हड्डी है सर के अंदर की वो बाहर की तरफ निकलना शुरू हो गई है, ये बात उन्होंने कही थी। और हमारे इंडियन मीडिया जो है वो तो भाई बहुत ही अच्छा, उन्हें तो सिर्फ मिर्च और मसाला चाहिए, और उन्होंने इस न्यूज़ को जो है वो छाप दिया ये कहते हुए कि इंसानों के जो है वो सींग निकलना जो है वो शुरू हो गए। और उनकी इस खबर को बाकी सारे वेबसाइट, बाकी सारे न्यूज़पेपर सब ने जो है एकदम धड़ल्ले से पूरा छाप दिया और कहा कि इंसानों के जो है वो सींग निकलना शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों, इस खबर में सिर्फ इतनी ही झूठ और इतनी ही सच्चाई थी। सच्चाई सिर्फ इतनी है कि आपके लाइफ स्टाइल और आपके स्मार्टफोन एडिक्शन की वजह से आपकी जो सर के पीछे की हड्डी है वो निकलना शुरू हो गई है बाहर की तरफ, ये उनकी सच्चाई थी। और इसको सींग की तरह दिखाना और इस तरीके की बातें फैलाना, ये हमारे इंडियन मीडिया का कारनामा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको इतना ही बताना चाहता था कि अगर आप भी इस न्यूज़ पर भरोसा कर रहे थे तो आप इसकी सच्चाई और इसके झूठ को जान लीजिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो को यहीं बाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।